थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया और जैक्समून नेटवर्क इंडिया। दोस्तों, बात करेंगे, आज हम लोग पहुंच चुके हैं गोपालगंज सिटी में। गोपालगंज सिटी में भी लगातार हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, वहां के प्रत्याशियों से मिल रहे हैं, वहां का मुद्दा जानने का कोशिश कर रहे हैं। इस क्रम में पहुंचे हुए हैं एक वार्ड प्रत्याशी के रूप में, इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं, और समाज सेवी के रूप में कई सालों से लगातार काम करते आ रहे हैं और एक व्यवसायिक के रूप में भी सम्मिलित हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनके वार्ड में काफ़ी समस्या, यहाँ तक कि पानी जो जल जमा हो गया है, काफ़ी थोड़ा सा बारिश होने के कारण जल जमा हो जाता है और लोग यहाँ परेशानी से जीवन जीना शुरू कर देते हैं। यानी कि बात करेंगे कि यहाँ पे समस्या ही समस्या है और ये चुनाव इस बार लड़ रहे हैं, एक व्यवसायी के रूप में है, लेकिन इनका मन कैसे हुआ कि चुनाव लड़े वार्ड पार्षद के रूप में, और क्या चुनाव लड़कर अपने क्षेत्र के लिए, अपने वार्ड के लिए काम करने वाले हैं। आइए इन सब मुद्दे पर बात करते हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है हमारे चैनल में, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है, राजन सिंह के नाम से लोग जानते हैं मुझे, और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग समय निकाल के मेरे पास पहुंचे। सर, ये बताइए कि हम आपके वार्ड में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, काफ़ी एक समस्या देखने को मिल रहा है, नाला का, नाली का और जल जमाव का। और हमने सुना है कि आप समाज सेवी के रूप में भी लगातार काम करते हैं, इस बार वार्ड पार्षद के रूप में चुनाव लड़ने वाले हैं। आखिर आपके मन में ये ख्याल कैसे आ गया, चुनाव लड़ने के लिए आप आ चुके हैं? पिछले कई वर्षों से मेरा यह प्रयास रहता है कि जो भी आम जनता की समस्याएं हैं उससे मैं रूबरू हूं और लोगों के बीच में रहता ही हूं। आमतौर पर सभी हमसे मिलते जुलते रहते हैं और पिछले 4 वर्ष से मैं लगातार यहां पे काम कर रहा हूं, चाहे वो कोरोना का पेंडेमिक कह लीजिए या उसमें आने वाली समस्याओं को, जो भी जैसे मानते हैं कि बहुत सारी लॉकडाउन के वजह से समस्याएँ लोगों को हुई, खासकर खाने पीने की समस्याएँ हुई, और सैनिटाइजेशन का काम मेरी ओर से हुआ। वार्ड में मैंने 2-2, 3-3 बार अपने व्यक्तिगत मद से लोगों का सेवा किया, कुछ आम लोगों को रख के ही, और मैंने सैनिटाइजेशन हर घर को कराया, साथ के साथ मास्क वितरण, साबुन, डेटॉल, और उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने दिन रात लोगों में अपने आप को खपाया। उसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे द्वारा निशुल्क मेडिकल शिविर का भी आयोजन कराया गया, जो कि निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सोचा कि उसको कराऊं। साथ के साथ लोगों का भी बहुत अच्छा रिस्पांस है, लोग चाहते हैं कि किसी युवा को मौका मिलना चाहिए। पिछले कई वर्षों से यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी ओर से मतलब जो संतोषजनक कार्य होना चाहिए वो नहीं हुआ, साथ के साथ लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है और वो चाहते हैं कि बदलाव हो। और मैंने राय मशवरा करने के बाद ही अपने बड़े बुज़ुर्ग गार्जियन, माताएं, बहनें, सबों ने मुझे बोला कि आप आगे आएं, और आप आगे आकर, चूँकि शुरू से ही मेरा सेवा भाव एक आम जनमानस को लेकर मेरे मन में व्याप्त है और उसको मैं करता रहता हूँ। ये बताइए सर कि जैसे कि आपने बोला कि सेवा भाव से चुनाव लड़ना चाहते हैं आप, अभी तक हम जितने भी प्रत्याशी से बात किए हैं सभी ने कहा कि हम सेवा भाव से अपने जनता के लिए चुनाव लड़ कर आएंगे और समाज सेवा या उनके कार्यों को पूरा करेंगे। लेकिन आप बताइए कि जिस तरह से प्रत्याशी के रूप में जो चुनाव लड़ते हैं और आते हैं, क्या लगता है कि अभी तक जितने भी प्रत्याशी हैं अपने समाज के लिए सही मायने में खड़ा उतरे हैं? देखिए, अब तो मैं और किसी पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मुझे तो पता है आपको क्यों विश्वास कर सकती है, आप पे क्यों भरोसा करेगी कि आप आएंगे तो समाज में एक बेहतर दिशा में काम करेंगे। यहाँ तक कि एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो वार्ड परिषद चुनाव लड़ते हैं, आपको भी पता है कि जितना पैसा, जितना फंड आता है, 1-2 करोड़ फंड आता है, वो फंड सही तरीके से अगर समाज में अपने लोगों के बीच आवंटन हो जाए, विस्तारित हो जाए, तो लोगों की समस्या दूर हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये कहा जा रहा है, जाता भी है कि पैसा तो आता है लेकिन समाज में देखने को मिलता नहीं है, देखने को सभी लोग गोल कर लेते हैं। बिल्कुल, आपकी बात 100% सही है। उसमें ये है कि आप अगर निस्वार्थ भाव से लोगों के बीच में जाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे तथा उनको चाहेंगे कि उसका जल्द से जल्द निराकरण हो, तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि आप निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करें, लोगों के बीच जाएं, उनकी समस्याओं को सुने, ना कि अपना जेब भरने में लग जाएं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है कि कागज़ पे तो बहुत सारे काम आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, लेकिन जहाँ तक आप वार्ड में
आप जाके घूम भी सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत सारे नाले हैं, बहुत सारा जो गली है उसमें लाइट की समस्या है, पूरा नाला ब्लॉकेज है और ऊपर से पानी बह रहा होगा। थोड़ा भी अगर आधे घंटे की बारिश अगर हो जाए तो उसमें लोग मतलब उनको चलना फिरना मुहाल हो जाता है। आज की डेट में आपको बताऊं, मैं वार्ड संख्या 5 में अगर आप घूमते हैं तो ये जादवपुर चौक से सटा हुआ जो नाला है, इसके साथ साथ आप चले जाएं अंदर अंदर जो बाज़ार वाली सड़क है उससे आप अंदर मेरे मकान की ओर अगर आप आते हैं, वहाँ पर बजरंग बली का होटल है, उस रोड से सीधे को आप अगर अंदर आते हैं तो वो पूरा भरा हुआ है नाला और उसकी सफाई मतलब उचित तौर पे नहीं होती है। और जहाँ तक रही बात कि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब समझिए कि इस मामले में मायूस लोगों को करते हैं, क्योंकि उनका काम यही है कि भैया हाँ बस खाना पूर्ति कर लें, काम के नाम पे बस गिनी चुनी उनकी काम है और वो भी उचित मतलब पैमाने पर अगर उसको आप देखें तो नहीं आपको देखने को मिलेगा, बस आपको कागज़ पर काम मिलेगा। या जहाँ तक रही बात, मैं आपको 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जो कि मैं आपको मतलब चाहूँगा कि आप इस चीज़ को लोगों के बीच में भी बताएं। सबसे पहला मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो राशन वितरण प्रणाली है उसमें बहुत बड़े लेवल पे खामी है। उसमें नाम किसी और का है, राशन कोई और उठा रहा है, उसके बाद से बहुत सारे फर्जी राशन कार्ड का भी मामला प्रकाश में आया है जिसको मैंने बहुत ही व्यापक तौर पे उठाने का प्रयास किया है। उस पर मैं कार्रवाई की भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लिखित तौर पे आवेदन दूँ और उस पर मैं सोच रहा हूँ कि एक बार जांच बैठे, प्रशासन को भी इस बात को ध्यान में मतलब रखना चाहिए कि भैया हाँ इस पर कुछ काम करें, चाहे इससे लोगों को जो समस्या हो रही है वो ना हो। कई सारे आवेदन मेरे पास यहाँ पर पड़े हुए हैं लोगों के कि भैया पार्षद महोदय के पास जाते हैं तो उनके पास से हमें मायूस होकर लौटना पड़ता है, वो इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, बस समय देते हैं। इस बार आने के बाद आप अगर जनता के बीच आ जाते हैं वार्ड पार्षद के रूप में तो जनता खुशहाल जिंदगी जी सकती है आपके आने से? देखिए, मेरा प्रयास पूरा रहेगा कि लोगों के बीच में रहूँ, 24/7 उनके बीच में काम करूँ। आम जनता जो ग्रास रूट पे लोग हैं, जो मतलब ज़मीन के लोग हैं, जिनको जो अति ज़रूरतमंद हैं उनके बीच में रहूँ, उनकी बातें सुनूँ, उनके संपर्क में दिन रात रहूं, अगर उनको कोई समस्या हो तो उस चीज़ को मैं प्रयास करूं कि जल्द से जल्द अपने द्वारा या सहयोग लेकर अपने लोगों के बीच में मतलब उस चीज़ को दूर करने की कोशिश करूं। मेरा यही मतलब प्रयास करूँगा। जिस तरह से हम लोग काफ़ी लगातार भ्रमण किए हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश किए हैं, तो एक बात निकल के आया कि आप बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता के रूप में सम्मिलित हैं जिला की तरफ से। जी, तो उस अगर बीजेपी के माध्यम से चुनाव लड़ने के लिए आप तैयार हैं या अपने माध्यम से? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे मैंने बहुत कार्य किया है, साथ ही मैं मेरी पूरी फैमिली अगर आप देख लें, मेरे दादाजी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, पिताजी से लेकर मेरे मतलब पूरे परिवार के लोग मतलब भाजपा से जुड़े हुए हैं, नो डाउट, और इसमें कहने में मुझे कोई शंका नहीं है। मैं खुद नगर भाजपा का प्रवक्ता हूँ फिलहाल, जी गोपालगंज नगर भाजपा का प्रवक्ता हूँ और साथ के साथ मैं बीजेपी का एक्टिव कार्यकर्ता हूँ। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे मैं पार्टी का सहयोग जहाँ तक हो, पार्टी से भी मतलब मुझे बहुत मदद मिलता है, पार्टी के लोग भी मुझे बहुत सहयोग करते हैं, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष विनोद जी वो भी बहुत सहयोग करते हैं, मेरे नगर अध्यक्ष माननीय दीपू जी हैं वो भी बहुत सहयोग करते हैं। और रही बात, मैं अगर मुझे कोई अगर रात को 12 बजे भी खोजेगा तो मैं उसके लिए उपलब्ध रहूँगा। और जहाँ तक रही बात, जिस दिन मुझे पद पे आम जनता के सहयोग से बैठने को मौका मिल जाएगा, मेरा प्रयास यही रहेगा कि लोगों के उम्मीद पे खरा उतरूं। चलिए धन्यवाद। आज बसंत पंचमी है सर, और बसंत पंचमी के दिन में एक विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा अहम भूमिका होता है और युवा भी खासकर अपने समाज में एक रोजगारी को लेकर दूर करना चाहते हैं कि बेरोजगारी हमारा दूर हो और एक रोजगार मिले और शिक्षा के मामले में एक बढ़ावा मिले, इस पर क्या आप टिप्पणी देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर शिक्षित हैं, मैं खुद मास्टर्स किया हुआ हूँ, MBA हूँ और मुझे पता है कि शिक्षा का कितना महत्व है। समाज के विकास पे आप तभी ध्यान दे सकते हैं जब आप शिक्षित हैं और आप शिक्षा के महत्व को समझते हैं। मैं ये ज़रूर अपील करूँगा कि पढ़ाई सबसे ज़रूरी है, उसके बाद दवाई, उसके बाद लोगों की कमाई, 3 मुद्दे हैं जिस पे पूरा समाज निर्भर है। तो जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो प्रयास यही करूँगा कि मेरे से जितना सहयोग बन सकेगा लोगों के बीच हूँ, रहूँगा आजीवन और सेवा भाव से हूँ, और निरंतर मेरा ये प्रयास रहेगा कि लोगों के हर एक
उम्मीद पे खरा उतरूँ। मेरा नाम मिथिलेश सिंह हुआ, मैं भावी प्रत्याशी वार्ड संख्या 5 नगर परिषद गोपालगंज से अपने आप को प्रस्तुत किया हूँ और बाकी जनता मालिक है। और मेरा निवेदन होगा कि सभी मुझे सहयोग करें और इस बार बदलाव जरूरी है और बदलाव होगा। धन्यवाद। तो साथियों देखा कि हम बात किए पहुंचे हुए थे वार्ड नंबर 5 में, हमारे साथ जुड़े हुए थे भावी वार्ड पार्षद के रूप में चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार मिथिलेश कुमार। इनका दावा है कि अपने समाज को एक बेहतर दिशा में, चाहूँ कि अपना विचार अपना व्यक्त कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय।